हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सो लास्ट सेशन में हमने किया था सेक्शन नंबर 5, जो कि डील करता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स एंड नॉट अदर्स। सो बेसिकली आज हम आगे करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 6 शुरू करेंगे। तो सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 तक जो है, वी आर टेलिंग अबाउट द रिलेवेंसी, एज इन वी आर क्रिएटिंग द रिलेवेंसी इन दीज सेक्शंस। सो रिलेवेंसी आप लोगों को समझ में आ गई है, मैंने बता दिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन नंबर 6, जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 6 एज पॉपुलरली नोन एज रेस जेस्टी, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड करते हैं, देन विल फॉलो। सो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। सी व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट इज कि जो ये दिया हुआ है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन से आप क्या पता लगा पा रहे हैं। सी, हमें ये पता है कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है, हम उसके एविडेंस देते हैं रिलेवेंट फैक्ट्स के दे सकते हैं। ट्रांजेक्शन मीन्स कोई भी एक सीरीज ऑफ एक्ट, या कोई सिंगल एक्ट भी हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजेक्शन में आता है। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हो रहा है, कोई एक्ट है, कोई डिक्लेरेशन है, वो जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उसे हम कहेंगे ट्रांजेक्शन। भाई आप बैंक में जाते हैं, ATM जाते हैं, वो एक ट्रांजेक्शन है। मैं स्कूल गई, मैंने किसी बच्चे से लड़ाई करी, किसी को थप्पड़ मारा, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। आपने पढ़ाई करी, अब स्कूल गए, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक ट्रांजेक्शन का फॉर्म ले रही है। तो हम बेसिकली यहाँ जिस ट्रांजेक्शन का बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू क्राइम, और यू कैन से इट इज़ ऑफेंस रिलेटेड जो आपका हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम डील कर रहे हैं उससे, तो वो रिलेवेंसी हम इस चीज़ के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट रीडिंग विद द बेयर एक्ट। नो फैक्ट्स विच दो नॉट एन इशू, सी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज दो नॉट एन इशू, फैक्ट्स विच दो नॉट एन इशू, इशू में नहीं है। सी, अगर वो इशू में होते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप उसके एविडेंसेस दे सकते हैं, उस फैक्ट के बारे में आप बता सकते हैं, कोई रिलेवेंट फैक्ट है उसके बारे में आप दे सकते हैं। तो जिस चीज़ के आपके पास, जो आपका इशू में नहीं है, उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जनरली वो कौन से फैक्ट हो जाएंगे जो इशू में नहीं है? लाइक हीयरसे है आपका, ठीक है, हीयरसे एविडेंस जो है, इज इट एडमिसिबल और इनएडमिसिबल? इट इज़ इनएडमिसिबल बिकॉज इट्स नॉट रिलायबल, आप किसी कही सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। बट हेयर दिस सेक्शन इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, एक्सेप्शन टू दिस हीयरसे रूल। इधर हम हीयरसे एविडेंस को एडमिसिबल करते हैं, बट इट इज़ अपॉन द कोर्ट कि वो किस चीज़ को कितना रिलायबल मानेगा, कितना नहीं, वो कोर्ट के ऊपर है, इट्स अ कोर्ट्स डिसीजन, ठीक है। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फैक्ट्स, कोई भी एक एक्ट हुआ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसके, कि भाई आप गए मार्केट में, आपने ये सामान लिया, आपने एक लिस्ट बनाई, वो सामान आप लेके आई, एक एक्ट है, ठीक है। वहाँ आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया, आपका कोई पुराना आपको फ्रेंड मिला, उससे आपकी किसी बात बहस थी, आपने उससे लड़ाई कर ली, और उस चीज़ में जो भी है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है, दिस इज एन एक्ट। सो अब हम बात करें, फैक्ट्स नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट एन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। सी, सेम ट्रांजेक्शन एज इन कि वो फैक्ट इन इशू है जो कि, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए ने बी को गन फायर करी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल लेके पहले समझा रही हूँ, उसके बाद विल कम ऑन द बेयर लैंग्वेज। सो ए ने अगर बी को गन फायर करी, गन शूट करी, उसके गोली मारी, तो जो ए है और बी है, मान लीजिए वो किसी मार्केट प्लेस में है, सो उस मार्केट प्लेस में एक्स वाई जेड, देयर फ्यू पीपल अराउंड जो कि बाईस्टैंडर्स हैं, और उन्होंने ये देखा
कि ए ने बी को गोली मारी, उसके बाद बी जोर जोर से चिल्लाने लगा, आज जैसे आवाज़ निकालने लगा आपने कि हाँ भाई लग गई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, उस तरीके से ये सब चीज़ हुई। तो जो एक्स वाई जेड जो बाई स्टैंडर्स हैं, ठीक है, उनकी अब वैसे तो आप उनको आई विटनेस तो वो हैं भाई, इन्होंने देखा ऐसा हुआ, ठीक है। अब हम बताते हैं कि ये जो है फैक्ट इन इशू क्या है, क्या ए ने बी को पे गन चलाई, क्या उसको गोली मारी, ये फैक्ट इन इशू है। तो आप इससे रिलेटेड तो ऑब्वियसली एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि फैक्ट इन इशू है, आपको उससे रिलेटेड तो एविडेंस देना ही है कि ए ने बी को गोली मारी, कब मारी, क्यों मारी, इससे रिलेटेड आप एविडेंस दे सकते हैं। पर मान लीजिए कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जो इशू में नहीं है, ठीक है, जैसे ए और बी की लड़ाई हुई और उन दोनों ने उसने एक दूसरे को गोली मारी और उसके बाद वो चले गए, तुरंत ही उसके जाने के बाद ही वाई जेड ने आके देखा कि भाई ये तो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है कि हेल्प मी हेल्प मी, और ही द ब्लड इज़ ऑल ओवर हिज बॉडी, ठीक है, ही स्क्रीमिंग, बी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस केस में जो कि वाई जेड है, जैसे हमने एविडेंस में हमने पहले जब हमने पढ़े थे तब हमने आपको बताया था कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं, तो इस केस में जो बी को भाई बी चिल्ला रहा है जो भी है वो क्या है, जो उसका एक्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस एज इन इंस्टिंक्टिव, अपने आप हो रहा है, यू नो, आप उसको अलग नहीं कर सकते उस चीज़ से, वो खुद जो फैक्ट इन इशू है, जो ये फैक्ट्स इशू में नहीं है कि हाँ भाई वो रो रहा था या नहीं रो रहा था, ये उसके बाद के फैक्ट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने देखा कि भी ऐसे ऐसे हुआ, इस केस में जो चीज़ स्पॉन्टेनियस है, जो ऑल ऑफ अपने आप हो रही है, कंटेम्परेनियस है उस चीज़ को लेके, कि इट इज़ गोइंग विद द फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, बेसिकली वो फैक्ट इन इशू हैं जिनके बारे में हम एविडेंस दे रहे हैं, पर उससे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है, पर वो इतने ज़्यादा वो इशू में नहीं है, बट दे आर फॉर्मिंग अ कनेक्शन विद द फैक्ट इन इशू, कि हम उन्हें कह सकते हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक बार बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं। सो इट इज सेड नॉट इन इशू आर कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू हैज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट, वेदर दे अकर एट द सेम टाइम और प्लेस और डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। सो इन दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम इलस्ट्रेशंस रीड करेंगे, तो यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग उसमें बटी हुई है, भाई कोई एक्ट है, कोई डिक्लेरेशन है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, और अकरिंग एट द सेम टाइम और डिफरेंट ओकेजन्स, वो भी चीज़ फॉल करेगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी इंसिडेंट्स हैं वो स्ट्रिक्टली तो कंपनी नहीं कर रहे हैं फैक्ट इन इशू को, बट दे आर फॉर्मिंग अ चेन, एक चेन ऑफ इवेंट्स बन रही है उसके अंदर, और उससे हम ड्राइव ये कर पा रहे हैं कि हाँ दिस इज़ सो मच कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू कि वो इनसेपरेबल है उससे, एंड सो शॉर्टली है कि मतलब जो टाइम गैप है उसमें वो इतना शॉर्टली है कि आप उसमें कोई कॉन्कॉक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि जो इसमें ट्रांजैक्शन है इट इज़ बेसिकली एडमिसिबल अंडर सेक्शन नंबर सिक्स को जब हम रीड करते हैं ना, तो उसके साथ हम 7, 8, 9 ये सेक्शन साथ में ना ओवरलैप करते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो सेक्शन नंबर 6 है वो एक आपको फैक्ट्स के बारे में बता रहा है जो कि एक सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म करे, और आगे जाके आप देखेंगे जब हम 7, 8, 9 पढ़ेंगे कि वो भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपको सेक्शन नंबर 6 की रिफ्लेक्शन इन तीनों में देखने को मिल जाएगी, जब आप 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे और 9 पढ़ेंगे, विल गेट टू दैट। सो जो कि ये सारे सेक्शन नंबर 6 के हैं रूल्स, वो हमने इलस्ट्रेट कर रखे हैं 7, 8, 9 में, और उनको दे शुड बी रेड टुगेदर। सो दे आर मैनी इंसिडेंट्स जो कि दो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करें फैक्ट इन इशू को, बट दे आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इट, वो हम बोलेंगे कि सेक्शन नंबर 6 में है एज अ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स इन फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सो दे आर अकंपनिंग एंड टेलिंग
they are accompanying and telling the incidents that are admissible and forming the part of the rest gesture. So इस चीज़ में ना आपको तीन चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है. फर्स्ट इज कंटेम्परेनियस, मीन्स हैपनिंग एट द सेम कोर्स, ठीक है ना, दैट इज देयर इनसेपरेबल. सो हैपनिंग इन द सेम कोर्स ऑफ एनी एक्ट और ट्रांजेक्शन. कोई चीज़ इस तरीके से हो रही है कि आप उसको इनसेपरेट नहीं कर पा रहे हैं और उसके अंदर कोई इतना टाइम गैप नहीं है कि आप उसे फैब्रिकेट कर पाए. एक तो ये चीज़ हो गई. एंड द फैक्ट्स दे आर अकम्पनिंग द फैक्ट्स इन इशू, वो उसको बता रहे हैं उसके बारे में, सॉरी एक्सप्लेन कर रहे हैं. दे आर इंडिपेंडेंट फैक्ट्स और सब्सिक्वेंट, वो हो सकते हैं अलग अलग फैक्ट्स, बट दे आर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद द फैक्ट एंड इशू. सो एक ही हो गया. और हेयर से का मैंने आपको बता दिया है कि हेयर से वैसे तो जनरल रूल यही है कि हम एडमिसिबल नहीं करते, बट इस केस में इट्स अपॉन द कोर्ट कि हाँ वो ट्रूथ देखेगा मैटर का क्या है, एंड देन द हेयर से एविडेंस विल ऑल्सो बी एडमिसिबल. सो क्रिमिनल ट्रायल में तो हमने बताया कि हाँ भाई नहीं है, पर रेस्ट जैसे में हम इसको ले लेते हैं क्योंकि एक ह्यूमन यूटरेंसेस से है कि बहुत फैक्ट भी है, एक कम्युनिकेशन का मीन्स भी है, और इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि हम उसको एसोसिएट कर पा रहे हैं फैक्ट एंड इशू के साथ. अब हम अगर इसको एक एग्जांपल लेके समझें सो इट विल बी वेरी ईजियर. चल लेट्स टॉक अबाउट द इलस्ट्रेशन. सो ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाट डू यू गेट अबाउट दिस फैक्ट एंड इशू. फैक्ट एंड इशू क्या है कि ए ने बी का मर्डर किया बाय बीटिंग. आप इसके एविडेंसेस दे सकते हैं, इसके एविडेंसेस देने में कोई इशू नहीं है, पर वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और बाईस्टैंडर, सी द लाइन हियर रिटन इज वट एवर इज सेड. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि ये जो फैक्ट्स हैं जो भी कुछ किसी के जो एक तो वो ए हो गया एक बी हो गया बाईस्टैंडर्स हो गए उनके द्वारा उनके थ्रू अगर कोई स्टेटमेंट आ रही है या उनके द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, कोई एक्ट है, कोई डिक्लेरेशन है जो वो दे रहे हैं, तो वो सब भी दो दे आर नॉट फैक्ट एन इशू बट दे विल कम अंडर द रेस्ट जेस्टे क्योंकि दे आर हकरिंग एट द सेम टाइम, वो उसी टाइम पे हो रहा है. एंड सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, सी द वर्ड हेयर सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इज दैट ओनली कि कंटेम्परेनियस हैं, इतने स्पॉन्टेनियस हैं वो कि वो नेचुरली हो रहे हैं, यू नो आप उनको कर नहीं रहे हैं, इट्स हैपनिंग इंस्टिंक्टिवली, अपने आप वो चीज़ हो रही है. मैंने आपको बोला ना कि आप गए आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई उसने आपको थप्पड़ मारा एंड यू स्टार्टेड स्क्रीमिंग, तो वो इंस्टिंक्ट है, वो आपके अंदर से खुद निकल रहा है, दैट इज़ नेचुरल, वो अपने आप हो रही है चीज़, दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. सो उस केस में जो हकरिंग एट द सेम टाइम है उस चीज़ के बारे में बात कर रही है कि सो शॉर्टली और बिफोर और आफ्टर, द बिफोर एंड आफ्टरवर्ड हियर इटसेल्फ सेज कि जो टाइम गैप है उस इंसिडेंट के और उन जो एक्ट और डिक्लेरेशन जो करी गई है किसी के भी थ्रू उसमें इतना टाइम गैप नहीं है, इट्स नॉट दैट रिमोट कि आप उस चीज़ को सेपरेट कर पाएँ. इट इज़ लाइक अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट हैपनिंग. तो अगर ए है बी को उसने मारा बाय बीटिंग, ही गेव द सेवरल ब्लोज, उसने उसको मारा मालू बीट करके, और जो आसपास लोग हैं, अब ए कोई स्टेटमेंट दे रहा है, बी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जो एक्ट डिक्लेरेशन है, और जो बाई स्टैंडर्स है जिन्होंने उसे देखा, वो कि हाँ भाई हमने देखा कि उसका ब्लड बह रहा है एंड ही स्क्रीमिंग अ लॉट कि हाँ भाई मुझे हेल्प करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, एंड द फ्यू पीपल केम, ये सारी चीज़ें ये हम रिलेवेंट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 6 में. वी आर क्रिएटिंग अ रिलेवेंसी ऑफ दीज फैक्ट्स एंड क्रिएटिंग देम एज अ रिलेवेंट फैक्ट टू गिव देयर एविडेंसेस. गॉट इट? क्यों किया हमने? क्योंकि हमें क्या करना है, ऑब्वियसली बात है 6 से लेकर हम 55 में हमें रिलेवेंसी क्रिएट करने की बात करिए कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट किए जाएंगे. सो इसमें जो कि इशू में नहीं है बट दे आर कनेक्टेड,
विद द फैक्ट इन इशू कि एज टू फॉर्म कि अ चेन एट द सेम टाइम इट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम ठीक है दे हैव अकर्ड एट द इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन बेसिकली ये चीज है तो इट इज एसेंशियल टू बी प्रूव्ड कि हाँ भाई अगर वो हेयर से है तो इट शुड बी एब्सोल्यूटली क्लियर देखना चाहिए कि हाँ भाई वो रिमोट ना हो काफी कि उसमें कोई कॉन्कॉक्शन की या कोई फॉर्ज्ड फैब्रिकेशन की कोई जरूरत लगे या मतलब लगे लोगों को कि हाँ भाई उसमें कोई फैब्रिकेशन किया गया तो दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टर इट इज बेसिक मीन दैट थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन एनी एक्ट डिक्लेरेशन एंड इंसिडेंट्स दैट आर अकंपनिंग एंड एक्सप्लेनिंग दोज ट्रांजेक्शन मतलब क्या कि ये जो वो फैक्ट्स हैं अब आप बताइए अगर आप हैं एक बाईस्टैंडर ए ने बी को मारा बीट करके बाय बीटिंग आपने देखा बी स्क्रीमिंग एंड यू आर प्रेजेंट ओवर देयर एज अ बाईस्टैंडर तो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं विद इन सो शॉर्ट कि आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते आप एक घंटे दो घंटे बाद नहीं आ रहे हैं कि हाँ भाई हमने देखा था वो बंदा पड़ा हुआ था नॉट दैट इट इज़ लाइक कि सो शॉर्ट कि वो चेन एक इवेंट बन रही है एंड देयर इट्सेल्फ नॉट फैक्ट इन इशू बट वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक पार्ट टू मेक द ट्रांजेक्शन एज अ कंसिडरेबल पार्ट कि हाँ भाई वो एक कंसिडरेबल पार्ट है हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं सो दे विल बी एडमिटेड इन एविडेंस दोज फैक्ट्स के आप एविडेंस दे सकते हैं ये चीज़ कह रहा है सेक्शन नंबर 6 सो स्पॉन्टेनियस है मतलब अपने आप हो रही है नेचुरली इंस्टिंक्टिवली आप जो कह रहे हैं जो हो रहा है वो सब स्पॉन्टेनियस है उस टाइम उसमें कोई बदलाव की या किसी फैब्रिकेशन की अलाउ नहीं हो रही है तो वो चीज़ आ जाएगी आपकी नंबर की सेक्शन नंबर 6 के उसमें सेम ट्रांजेक्शन में नाउ अब हमें क्यों कह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली है कि फैक्ट इन इशू तो हमने बता दिया कि उसके एविडेंस हम दे सकते हैं पर जो उसके बाद और उससे पहले तुरंत बाद सो शॉर्टली किसी ने कुछ देखा किसी ने कुछ बोला वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी कि हाँ दिस इज़ नॉट एन इशू बट दे आर टेलिंग अबाउट द फैक्ट इन इशू दे आर एक्सप्लेनिंग द फैक्ट इन इशू कि ये कैसे हुआ ठीक है ना ये कंटेम्परेनियस है उसके साथ कि उसके बिना आप नहीं शो कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका रेस्ट जेस्चर नाउ नेक्स्ट वो यूज नेक्स्ट मूव इन करते हैं जैसे अभी हमने जो लाइन कही है ना डन इन द एट द सेम टाइम और प्लेस एंड डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस इसके लिए हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर बी जो कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग अ पार्ट इन आर्म्ड इंसर्जेंसी यू नो ना कि भाई उसने सारे हथियार वथियार इकट्ठे करवाने के लिए जो ए है उसको लायबल ठहराया गया कि उसने तो इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर के लिए पार्टिसिपेट किया है और उसमें प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है ट्रूप्स हैं अटैक एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज द फैक्ट इज रिलेवेंट एंड द जनरल ट्रांजेक्शन दे प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम मीन्स क्या देखिए अलग अलग पर्सनस होंगे किस ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा ई होगा उन सब ने पार्ट लिया होगा किसी ने फ़ोन करके आर्म्स मंगवाए होंगे किसी ने फ़ोन करके प्लेस तैयार किया होगा किसी ने मनी यूज़ करी होगी अरेंज की होगी मतलब इन सब चीज़ों के लिए क्या अलग अलग जगह पे हो रही हैं चीज़ दे आर नॉट मे बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम बट दे आर टेलिंग यू द ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता चल रहा है कि उस क्या क्या हुआ वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है तो दैट इज़ वाई दे आर एक्सप्लेनिंग द फैक्ट इन इशू नाउ ए सूज फॉर लिबल फॉर द कंटेनिंग लेटर पार्ट इन कॉरस्पॉन्डेंस लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटेड सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लिबल अरोज एंड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कंटेन रिलेवेंट दिन डू नॉट कंटेन द लिबल इट्सेल्फ मतलब क्या है कि एक लेटर है जिसमें एक ए ने बी के लिए लिखा कि हाँ भाई बी ने तो मेरे को बदनाम किया है और वो सेवरल लेटर्स में उसको दिख रहा है उसने कई लेटर्स दिए कॉरस्पॉन्डेंस मतलब डिफरेंट लेटर्स हैं और हर लेटर में वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कही जा रही है ठीक है ना कोई मैटर ऐसा है सो उस केस में जो है फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस विच इज कंटेंट इट इज़ रिलेवेंट कि भाई इसने पहले भी ऐसा किया है
दोबारा ऐसा किया है, तीसरी बार ऐसा किया है, सेवरल लेटर्स से जो है हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हाँ देयर इज अ लिप बैलेंस दैट इज हैपेंड. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए. द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसफुली एंड ईच डिलीवरी इज अ रिलेवेंट फैक्ट. सी ए ने बी को गुड्स दिए, बी ने सी को दिए, सी ने डी को दिए, इसे ही कर लीजिए. ए ने ई को गुड दिए, ए ने बी को दिए, बी से सी को गए, सी से डी को गए. अब इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं कि किसने किस किस को दिए, ये सब रिलेवेंट आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन कि हाँ भाई ये गुड्स हैं, ये इस तरह से लेके उस तरफ तक पहुँचे हैं. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी डन. सो हेयर वी कम्प्लीट आर सेक्शन नंबर 6. होप यू अंडरस्टूड इट. अगर नहीं आया हो समझ में तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड जस्ट लेट मी नो. कुछ चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 6. एंड जैसे हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 8 में भी हैं, सेक्शन नंबर 6 की भी इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए. ये हम जब अभी 7, 8, 9 पढ़ेंगे ना, उसके साथ इनकी इलस्ट्रेशन को हम कोरिलेट करेंगे कि कैसे ये मैच कर रही है, कैसे ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म कर रही है. ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन ए में हमने बाईस्टैंडर्स के बारे में बात करी, इलस्ट्रेशन बी में हमने बात करी सेक्शन नंबर 10 एविडेंस की. जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्पिरेसी वाला सेक्शन नंबर 10 एविडेंस में, तो उससे रिलेटेड बात की गई है. इलस्ट्रेशन नंबर सी में लेबल की बात करी गई और डी में तो डिलीवरी का बता ही रखा है. जैसे डी से एक तो एडमिसिबल हो जाएंगे वो सारे लिंक ऑफ चेन जो भी हो रही है. सो हेयर वी फिनिश विद द सेक्शन नंबर 6. रेस्ट जेस्चे मीन्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन. सो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, तो जस्ट प्लीज़ लेट मी नो. प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू वॉन्ट टू सी माई वीडियोज़. सो दिस इज़ ऑल. सी यू टुमारो. Bye-bye. Take care.